हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, आज का सीन ऐसा है कि आज मौसम है कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक, मतलब अच्छा सा मौसम है, प्यारा से, इतना अच्छा प्यारा प्यारा बादल है। तो हमने सोचा कि आज कॉलेज बाइक से जाया जाए, इसी के लिए बाइक लिए निकल गए। और आप लोग को, कुछ लोगों का कमेंट था कि भाई कौन से कॉलेज में, कैंपस दिखाओ कैंपस। तो सोचे थे कि आज अगर कवर हो गया तो अपना कैंपस आप लोगों को दिखा देंगे, क्योंकि बारिश हो रहा है ना, और ऊपर से दो को लैब है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना हो सकता है, पॉसिबल तो ज़रूर दिखाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि मोटर ब्लॉगिंग तो अच्छा है, लेकिन फिर कभी कभी सोचते हैं कि यार मोटर ब्लॉगिंग के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे काम थे, क्योंकि इसमें ऐसा फील होता है कि पीछे भी कोई बैठा हो वो भी सोचता है बेटा पागल है क्या, अपने बड़बड़ा रहा है। और इसमें देखने में अच्छा लगता है, मोटर ब्लॉगिंग इंसान देखेगा तो कितना ज़्यादा फील करके देखता है कि हाँ मज़ा है। अगर खुद जब बोलना रहेगा ना तो अपने आप से बात करने, जो मोटर ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया, अपने आप से बात करना शुरू कर दिया, लाइफ में उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। अकेले रहने का उसको आदत हो जाएगा अपने आप से बात करने का, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अपने आप से बात कर लेगा, ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है। अरे इतना भीड़ क्यों है बाबा, लेकिन ये सब व्यू देख के प्यारा सा भूल जा रहे हैं। ये सब प्यार है, प्यार, इतना प्यारा प्यारा मौसम। कॉलेज मेरा अभी स्टार्ट होने वाला सुबह का हो गया था, नहीं तो पहले होता था सेकंड शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे से कॉलेज स्टार्ट है। वैसे आज हमको बोलने को एक चीज़ है, हम अपना कॉलेज का स्टोरी आप लोगों को सुना सकते हैं। कॉलेज का स्टोरी थोड़ा सा प्रॉब्लम, सारा कॉलेज का ये स्टूडेंट लोग है, राजा थोड़ा हट के चल रहा। बस बस इतना काफ़ी है। हाँ, तो सोच रहे हैं कि बस छोड़ दिया जाए, लेकिन घर वाले लोग हमें मार देंगे, क्योंकि मेरे पापा जी पैसा देते हैं बस का, और बस से हम नहीं जाएंगे तो मेरी माँ टेंशन करेगी। माँ का तो आप लोगों को तो पता है यार, कहीं भी जाइए कहीं भी, बेटा ठीक से है, हाँ ठीक से है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम ठीक है, पाचा से पहुँच गया, हाँ पहुँच गया, जब तक जाने ही नहीं तो सुकून ही नहीं मिलता। माँ ऐसे चीज़ ही है गाइस, माँ माँ होती है। अब ऐसा नहीं है कि माँ का फीलिंग तो सब समझ लेता है, लेकिन पापा का फीलिंग कोई नहीं समझता, लेकिन जो पापा का फीलिंग है वो दुनिया में, मतलब क्या बोलें यार, एक्सप्लेन नहीं हुआ उसको, नहीं कुछ कुछ बोल नहीं सकते स्पीचलेस है। माँ तो अपना प्यार दिखा देती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। और जो जो अपने माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें आई लव यू मॉम, सबको हाईलाइट करेंगे, सब कमेंट को हाईलाइट कर देंगे। जो अपने पापा से प्यार करता है वो भी कमेंट कर सकता है आई लव यू डैड, ऐसा नहीं है कोई भेदभाव हो। कॉलेज तो आ गया अपना, बात करते करते आप लोगों से बात करते करते कॉलेज पहुंचे पता भी नहीं चला, नहीं तो वैसे लगता है कितना बड़ा कॉलेज तकलीफ है जीवन में, लेकिन आप लोगों के साथ आने फिर पता ही नहीं चला कि कॉलेज पहुंच गए। ये मेरा कॉलेज का फर्स्ट गेट है, बट ये नहीं है, अभी आगे में है, ये तो स्टार्टिंग है। हम तो सोच रहे हैं कि जस्ट लगा ले, बट रांची में रहना है तो भाई ना, रांची से थोड़ा सा बाहर रह सकते हैं एग्जॉस्ट नहीं लगा के, लेकिन रांची में पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना का एग्जॉस्ट नहीं होगा उससे ज़्यादा रोज को चलाना आएगा, और वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। जिसके लिए पॉसिबल लगा सकता है, नहीं लगाने का वो नहीं है, देखिए जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है वहाँ पर आप कितना भी मतलब पावरफुल हैं लेकिन एग्जॉस्ट नहीं लगा सकते हैं। आज कुछ ऐसा सीन का हो गया है, देखिए ये अपना कॉलेज, सब आज मामू लोग हैं बाबा, ये तो बहुत खड़ोस गार्ड साहब हैं, पता नहीं इतना खड़ोसी कहाँ है लोग। भाई स्कूटी में कौन छाता लेके आता है, स्कूटी में छाता लेके भी आया जाता है क्या, पता भी नहीं था हमको। ओ भाई वाह,
cool this summer. तो ये अपना कॉलेज का कैंपस इतना बड़ा, अब ये वाला बिल्डिंग बन ही रहा है और हम लोग जाएंगे पार्किंग करने। अब ना ये वाला फुल अच्छा लगता है, इसी के पास अपन का बाइक पार्क होगा। राजा जी बाइक तो पार्क कहीं नहीं हो रहा है। टिकट आउट, अरे वाह फुल विराद है। उन लोग में एसी लगा हुआ रहा, आपका भाई गर्मी में तप के पड़ता है वो वाला बिल्डिंग में। ये राजा अपना कैंपस, ये वाला रुकिए ऐसा नहीं अच्छा लग रहा, इसको फ्रेम में लेते हैं। तो गाइस मेरा फ्रेंड है जो कैमरा पकड़ा है और फुल अपना यूनिफॉर्म में आपको दिखा रहे हैं। अभी हम लोग आ चुके होंगे, पीछे मेरा कॉलेज है और ये है कॉलेज का व्यू, व्यू थोड़ा दिखा दो कॉलेज का। यहाँ कितनी सारी हरियाली है, इसको भी हम लोग गाइस अच्छा दिखाओ, अच्छा दिखाओ। खूबसूरती के साथ आपका भाई भी है, खूबसूरत मतलब खूबसूरत स्मार्ट लग गया। चलो आगे दिखाते हैं, आगे इधर दिखाओ, इधर दिखाओ आइए आपको आगे दिखाते हैं। आगे भी बहुत अच्छा अच्छा जगह है, आपको अपना क्लासरूम भी दिखाएंगे। आओ चलो चलो अपना हेलमेट ले लेते हैं। तो गाइस आप लोग देखिए पीछे सारा बच्चा लोग जा रहा हुआ कॉलेज और अभी 9 बजे का स्टार्ट था मेरा लैब और आप लोग के लिए 15 मिनट पहले आके इतना जो है व्यू दिखा रहे हैं। व्यू इसका औसा में पूरा कॉलेज के कैंपस को टूर देंगे और क्लास में का भी आपको देंगे, आपका भाई कहाँ बैठता है कहाँ है। चलिए आगे थोड़ा सा और अच्छा अच्छा जगह है उसको दिखा देते हैं। आओ आप चलो चलो आओ। और ये तो ये जो देख रहे हैं ये पीछे का व्यू है, इसका आगे का हम लोग चल के दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, इतना ऊपर ले लिया है कि तुम थोड़ा नीचे लेके चलोगे घूमने, इतना सारा अच्छी जाएगा। जल्दी आओ, सामने का जो मेन बिल्डिंग है उसको दिखाना जरूरी है। आओ ये कैंपस, पीछे आप कैंपस की बिल्डिंग देख सकते हैं, इसका आर्किटेक्चर आप लोगों को शो हम करते हैं। पीछे का व्यू देखो, नहीं अच्छा से दिखा होगा ना, रुकिए आपको दिखाते हैं। तो गाइज आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, ये है सरला बिरला विश्वविद्यालय और इसमें IT डिपार्टमेंट और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सारा लोग यही सीख करना होता है। इसमें क्लास नहीं होता, क्लास होता है सिर्फ सीनियर लोग का होता है, MBA MCA MTech वाले लोग का। और गाइस सबसे दुख की बात उन लोग में AC लगा हुआ रहा, आपका भाई गर्मी में तप के पड़ता है वो वाला बिल्डिंग में। काश हम भी सीनियर रहते तो हम भी AC में पढ़ते, फिर भी आप लोग लाइट शेयर नहीं करते हैं, कितना तकलीफ होता है एकदम गर्मी में बेचारा। इतना मेहनत आप लोग को इतना अच्छा अच्छा कॉन्टेंट देता है, तो ये बात है, लाइक दे दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कैंपस अपना और इधर सारा ये वाला मेन था, ये अभी बनना बाकी है, ये स्टार्ट होने वाला कुछ दिन में। चलते हैं अपने क्लास की ओर और अंदर में कुछ दिखाने लायक नहीं है, क्लास चलते हैं उसके बाद दिखाएंगे आपको क्या दिखाना है। ये वाला बिल्डिंग में अपन का सबसे प्यारा चीज़ इस कैंपस पे एक पेड़ बहुत ही अच्छा, इसी के नीचे तो हम बैठे तपस्या करते हैं कि नौकरी लग जाए। तो क्या नाचो मैं? अभी लैब जाना है, सबसे पहले वॉशरूम चले जाते हैं। ये लैब, ये सब लैब है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अभी वॉशरूम चलते हैं। पे शीशा फोड़ दिया कोई, शीशा शीशा ही नहीं है, शीशा ही नहीं है, अब कैसे आपका भाई चेहरा देखेगा? मजाक कर रहे हैं, फोड़ नहीं हो जाता इसका, पता नहीं लड़का लोग फोड़ दिया लेकिन शीशा बहुत मस्त। चलना जल्दी लैब चलते हैं। कौन सा सेकंड फ्लोर था? सेकंड फ्लोर लैब में थर्ड मिलते हैं। 1947 में आया, 1947। अरे बोगा चौदह, अरे समझ में नहीं आ रहा तुमको। अच्छा छोड़ो पूजा की, पूछा गया तुम जन्म कब लिया, तुम सीधे अपना सुन ना जन्म बताना। सुनो पूजा किया है, पूजा पूजा किया आज?
बाइक से आए हैं तो लेट हो चुका है, तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि हम पीछे बैठते हैं, हम आगे बैठते हैं। आज बाइक से आए, लेट हो गया, इसकी वजह से आगे का सीट ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से पीछे बैठना पड़ा। लेकिन पीछे भी ठीक है, व्यू दिख रहा है, पढ़ाई हो रहा है, क्लास चालू है, ये लैब हो रहा है। टीचर हम बोले जी सर हम 12 मिनट लेट किया, वो बोलते नहीं तुम 25 मिनट लेट किया। क्या टीचर से लड़ाई झगड़ा करनी छोड़ो, टीचर का रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करना। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता। खिड़की से बाहर का मौसम कितना मस्त लग रहा है गाइस, इसलिए चलते क्लास। भोजपुरी सुना करो, ये फीलिंग है दिल का, समझा, हम लोग का यूपी बिहार का बोगा चुरा लड़का। ऐसे देखिए ये है क्लास, भाई 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 हमको भी से हम भी क्लास सीखना चाहते हैं। देखिए चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए, और भी दिखाएंगे, ये दिखाना जरूरी नहीं है, ये ब्लॉग इससे अच्छा अच्छा हवा आता है। क्लास का लड़का लड़की चंदा है, उन लोगों की वजह से आवाज़ नहीं आता, आता है चला जाता है। टीचर आ गया, टीचर दिखा क्लास में, टीचर आ गई, मैं टीचर है गाइस, टीचर गुस्सा हो गया गाइस, क्लास खाने वाला है गाइस। फाइनली क्लास कंप्लीट हो चुका, 2 घंटा मैं 2 घंटा लेफ्ट, पागल हो गया हमारा दोस्त लोग, और ये तो हमारा पालतू कुत्ता है, देख रहे हैं खींच के। छुट्टी हो गई, चलिए निकलते हैं बाहर में भी, तो सब कोई जा ही रहा है, चलिए आयुष तुम ब्लॉग में आगे चैनल को शेयर कर देना, चैनल प्रमोशन तो ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हम लोग पूछते हैं कि बॉयज वॉशरूम में क्या होता है, यही सब करता है ये सब लड़का, आता है वॉशरूम देख लीजिए, देख रहे हैं कि पीछे का व्यू है, यहीं से हम लोग जाते हैं, मतलब व्यू देखते हैं, कितना ज़्यादा मज़ा है, वाह। ये सब नया नया बच्चा लोग है जो जा रहा है, देख लीजिए यह कैंपस, इसमें सारा बस और ये वाला जो बिल्डिंग यही बन रहा है इसी में, और अभी बनने वाला है, और क्या, और ये वाला जो बस है यहाँ पे सारा बस लगता है, इसमें से हम भी जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और प्यारा से कमेंट जरूर छोड़ के जाइए अपना, उससे आपका भाई मोटिवेट होता है और अच्छा वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करता है। तो और क्या ही, बाय बाय, यही व्यू के साथ, सी यू सून, लव यू ऑल।